बड़े मंत्री और भाजपा के नेताओं को सफाई देनी पड़ती है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अरे भाई, ये नौबत ही क्यों आई? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आके सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में कभी सफाई देने की नौबत आई किसी को? तो जो मंशा है उस पर लोगों को शक है कि आप संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हो, आप संविधान को कमजोर करना चाहते हो, आप जो किसान वर्ग है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, उनके हितों और उनकी सुविधाओं के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो। कोई कितना भी भाषण दे ले, लेकिन ये जो लोगों के मन में शक पैदा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की देन है। इसलिए देश के लोगों ने मन बनाया, 300 पार, 400 पार, 500 पार करते थे, दो दो सहयोगी दलों के साथ सरकार बनी है और वो भी पहले के 6 महीने में डगमगा रही है। उत्तर प्रदेश भगवान राम के नाम पर वोट मांगते थे 25-30 सालों से, यूपी में चुनाव हुए लोकसभा के, अयोध्या में चुनाव हुआ, वहां बीजेपी हारी और समाजवादी पार्टी जीती, अयोध्या का राम मंदिर बना है। तो गाय के नाम पर, भगवान राम के नाम पर आप कब तक वोट लोगे? आज किसानों के क्या हाल है, डीएपी के क्या हाल है, खेत यूरिया खाद मिल रहा है किसी को? आसमान छू रहे, सप्लाई नहीं हो रही, लाठीचार्ज हो रहा है, व्यवस्था को चलाना आता नहीं है। भाषण देना, घोषणा करना, लोगों को उकसाना, ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि दौसा में जो कांग्रेस पहले मजबूत थी, आज उसे ज्यादा मजबूत है, पूरा देश जानना चाहता है। और जैसा मेरे पूर्वोक्ता ने बोला, बहन पूनम जी ने बोला, मुरारी जी बोल रहे थे, कांग्रेस ने हमेशा गरीब और किसान की मदद करी। हम लोगों ने जब भी वोट मांगा है, आपने वोट दिया है। और मैं बता रहा था पिछली मीटिंग में, मैं पिछला चुनाव जब लड़ा यहाँ से 20 सालों के समय को, 2004 में जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, तब से उससे पहले से आज तक आप लोगों ने हमेशा ताकत दी और हर वर्ग ने दी। 3600 कौम, ऐसा उदाहरण मैंने कहीं देश में नहीं देखा जब सभी जाति, सातों जात के लोग, सभी धर्म के लोग मिलकर किसी को अपनाते हैं। और आज डीसी बैरवा जी का जो चुनाव होने जा रहा है, ये जनता का चुनाव है। सातों जगह वहां उपचुनाव है, वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन दौसा में मैं चाहता हूं सबसे अधिक बहुमत से हम चुनाव जीत कर जाएं। इसलिए हम सब लोग आज आपके बीच वोट मांगने के लिए आए हैं और हम सब ने ये संकल्प भी लिया है। अब सब लोग यहां बैठे हैं, पिछले चुनाव में इतना काम करने के बाद भी आप लोगों ने विधानसभा में ना तो हुड्डा जी जा पाए, ना ममता जी जा पाए, ना खटाना जी जा पाए, मुरारी जी गए थे वो दिल्ली चले गए। अब विधानसभा में मेरे साथ बैठने के लिए डीसी जी को भेज दो ताकि हम दोनों इकट्ठे बैठ के आपकी वकालत करें। इसलिए अब सबसे निवेदन है, अभी 5-7 दिन का समय और भी नेता आएंगे, बहुत मंत्री संतरी बड़े बड़े लोग आएंगे, भाषण देंगे और सबको सारी फौज छोड़ दी जाएगी, पूरा दबाव बनाया जाएगा सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, धनबल का। लेकिन यहाँ के लोग, मैं पिछली मीटिंग में बोल रहा था, दौसा के जो मतदाता है, दौसा के जो नागरिक है, वो इतने जागरूक हैं, उनको राजनीति की पीएचडी है, वो सब पता है हमको किसका कब बटन दबाना है। इसलिए आप